या आप देख सकते हैं कि पूरे तरह ये स्ट्रिप किल बैक वाटर स्नेक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि बहुत ही अलग, हाथ कलम मेरे से बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि बहुत ही अलग है और पीछे लाइन है। तो अभी उसको फटक से उसको पैक कर देंगे, थोड़ा ठीक है, इसको पैक कर देते बैग में। तो बैग दे रहा हूँ, हाँ उनका भी ले लो। हाँ तो इस बैग में उसको पैक कर देते, धीरे धीरे उनको डिस्टर्ब करने का कोई भी हक नहीं है हमें। जैसे वो धीरे धीरे वो निकलते जाएंगे वैसे उसको पकड़ते जाएंगे, अदरवाइज उसको डिस्टर्ब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ऐसे आप देखते रहिए कि कैसे वो छूटते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर देखते हैं, देखते रहो। हम इतना ट्राई करेंगे कि उसको बिना हाथ लगा के उसको पैकअप करने का और जल्दी से जल्दी जाके जंगल में छोड़ देंगे। जस्ट ट्राई इट, देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जैसे जैसे जमा हो रही है और हमें उसको पैक करना ज़रूरी है। तो गाइस चलो लेट्स सी होता है कुछ, देखते हैं। अरे फीमेल यहाँ से, यहाँ पे पूरा और फीमेल ऊपर बैठी है। सो गाइस वो आगे बढ़ रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि वो उसकी थैली में जा सके, देखते हैं वो थैली में जाता है या नहीं, ट्राई तो करेंगे। यस यस यस, दौड़े दौड़े, ये थैली में जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, तो सच में अच्छा है। और वैसे ही उसको पैक कर देंगे और जल्दी से जल्दी उसको जंगल में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी भी मीटिंग चालू है अंदर। इसको जल्दी जल्दी जाके थोड़ा जल्दी की जंगल में छोड़ना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा टेरियर साफ नहीं है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे गाड़ी जाती है तो गलती से भी उनके ऊपर गाड़ी गई तो ये पूरा का पूरा सब प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको बचाना पड़ेगा। थैंक यू, मैं हूं प्रोडक्शन और आप अगले वीडियो में देखेंगे कि वो सांप कैसे जाते हैं जंगल में। थैंक यू।
तो थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो मैं पसीना पूछ लो भाई, बहुत पसीना आ गया। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। हुआ था ये कि मीटिंग करते समय ये सांप आए रास्ते पे। हाँ, तो ये रास्ते पे आ गए थे और रास्ते पे आने के बाद वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ जाती है रेमंड कंपनी में, तो गलती से भी एक गाड़ी एक के ऊपर गई तो सब लोग मर जाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कॉल किया और मैं नज़दीक ही था और मैं नज़दीक चला गया। तो फिर देखा तो ये सब मीटिंग कर रहे थे और नज़दीक गौर से देखा तो वहाँ पे चार सांप थे और दो मेल और एक फीमेल मीटिंग कर रहे थे, पर एक मेल वहाँ पे ऐसे ही था, होप सो वो अपना चांस ढूंढ रहा था। तो वो फिर निकल गया बाहर। वो निकलने के बाद थोड़ा देर रुका तो उसको भी पकड़ लिया पहला। बाद में मीटिंग करते समय उन तीनों को डिस्टर्ब करना बहुत ही गलत है ये बातें, तो इसके वजह से हम रुके वहाँ पे, बहुत ही रुके। पर वहाँ पे पब्लिक बहुत जमा हो रही थी, गर्दी बहुत रश हो रही थी, गाड़ी रुक रहे थे, तो इसके वजह से मैंने एक डिसीजन लिया कि उसको बिना हाथ लगाए उसको बैगिंग कर लेते हैं। तो फिर धीरे 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 उसको थोड़ा यहाँ से पुश करते लगा। पुश करने के बाद वो उस साइड से गया और वो बैग में अंदर गया। और ये भी ध्यान रखा कि उसको ज़्यादा परेशान ना करें। उसको जैसे थैली में पकड़ा और जैसे मैं जंगल में आया और आपने जैसे देखा कि वो अभी तक मीटिंग कर रहे थे और वो जैसे आपने देखा कि वो कैसे निकल गए। एक तो मेल तो निकल गया, पर दो मेल और एक फीमेल जो पे वहाँ पे एक जगह पे पत्थर के नीचे जाके बैठ गए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, पर ये भी गलत है कि जहाँ से वो मीटिंग कर रहे थे वहाँ से उठाना, पर मेरी मजबूरी थी कि उनको उठाना क्योंकि वहाँ पे पब्लिक बहुत है और गलती से भी किसी ने मार दिया। अवेयरनेस तो बहुत होता है, पर गलती से भी कोई इंसान ने मार दिया फिर गाड़ी के नीचे आके कुचल गए तो बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए उसको जंगल में, अच्छी खासी जंगल में, वहाँ पे पानी है, खाना है, बहुत कुछ है मीटिंग करने के लिए, बहुत पूरा का पूरा जंगल है, तो वहाँ पे उनको छोड़ दिया। और उनका जो पेनिस पेनिस रहता है उनको हर मेल को स्नेक्स में रेप्टाइल में दो पेनिस रहते हैं, उसको हेमी पेनिस बोलते हैं, जो फीमेल के मेटिंग करते समय उनको हेल्प होती है। मेटिंग कैसे होती है, जहाँ पे दो मेल आते हैं फीमेल के पीछे, जहाँ पे दो मेल मिलते हैं तो उनका मैटर हो जाता है, लाइक उसको बोलते हैं कॉम्बैट। कॉम्बैट में रहता है कि उनको एक दूसरे को बाइट ना करे, ये रूल है। उसके बाद में वो अटैक नहीं करते, एक दूसरे को नीचे गिराते, और नीचे गिराने के बाद जो जीतता है वो उसकी फीमेल हो जाती है। ये अभी तक चलता आ रहा था, पर यहाँ पे बहुत ही अलग ही किस्से घड़े हैं जो मुझे बहुत सरप्राइजली मैं बोल सकता हूँ कि दो मेल या फिर कभी कभी देखा है मैंने तीन मेल एक फीमेल के साथ मीटिंग करते हैं। और यहाँ पे कैसा होता है कि फीमेल जो रहती है मेल से बड़ी रहती है और मेल छोटे रहते हैं, और उनका मीटिंग शायद से 3-4 घंटा ऐसे ही चलता है। और कोई कोई जो लोग देखते हैं इसको तो उनको लगता है कि बुरा है, अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए वो मार देते हैं सब सांपों को। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे इंसान को कोई परेशान किया मीटिंग करते समय या फिर उनका प्राइवेट काम करते समय तो वो कैसे गुस्सा आता है, तो वैसे ये गलत बात है और ये नेचर है। नेचर हर एक मीटिंग करने प्रोडक्शन होते हैं अलग अलग। और ये जो सांप है स्ट्रिप किलबैक वाटर स्नेक, उसको बोलते हैं मराठी में नानेटी बोलते हैं, ये सांप 7 to 10 एग्स दे देती है और उसके बाद में हैच होने के बाद वो बेबी छोटे छोटे निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनको छोड़ के। अब आपको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल गई है मेटिंग के क्या है, कॉम्बैट का क्या है, ये गलत है कि उसको मारना गलत है या फिर तो लकड़ी से ये करना गलत है सब कुछ, तो इसके वजह से हमें कॉल कर दीजिए, हम इसको रेस्क्यू करेंगे या फिर उसको नज़दीकी बाजू में जाके छोड़ देंगे जहाँ से वो आए थे। तो ये गलती हो गई कि ये रास्ते पे आ गए, अदरवाइज जंगल में रहते तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो आप ये वीडियो पूरी देखी होगी, आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए, कुछ गलत या फिर कुछ सही मुझे भी बताइए। अगले वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं हूँ आपका पराग शिंदे और आप देख रहे हैं स्नेक हंटर पराग शिंदे यूट्यूब चैनल। और आगे देखते रहिए ऐसी वीडियो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर करना, जिसके वजह से सांपों को नॉलेज आ सके। और ऐसे ही अलविदा, टेक केयर एंड बी हैप्पी।
नेचर की रिस्पेक्ट करो और एनिमल से प्यार करो। स्टे ट्यून। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.